रेलवे स्टेशन को शिफ्ट करते हुए। दोस्तों कोई स्टेशन आ रहा है, जैसे ही करीब आता है बताता हूँ फिर आपको कौन सा स्टेशन है। स्पीड स्लो की है ट्रेन ने अपनी, 48 डाउन अभी तक तो सही स्पीड पर आई है और पीछे से तकरीबन एक घंटा डिले थी। देखते हैं कि कराची तक कितनी डिले होती है, उम्मीद तो है कि मज़ीद डिले नहीं होगी, बाकी आगे अल्लाह को जो मंजूर। रोड़ी से 70 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए हम लोग राजा रेलवे स्टेशन से। पास थ्रू हो रही है 48 डाउन मेहमान बाबा। ये फ्लड वाटर अभी तक मौजूद है यहाँ पे इसी सेक्शन पे जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, जो कि फ्लड में बहुत इफेक्टेड हुआ था। अभी तक पानी आप देख सकते हैं कि मौजूद है वहाँ पे सैलाब का। और ये तालाबों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सैलाब का पानी अभी तक मौजूद है दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे कोई झील है इतना पानी।
कई सौ एकड़ रकबे पर मौजूद ज़मीन जो है वो बर्बाद कर दी थी इस बारिश ने, अभी तक पानी में डूबी हुई है ये ज़मीन। और पूरी पूरी झीलों की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये पानी। बस ब्रेक सप्लाई किए हैं, एक तो सामने स्टेशन है और दूसरा यहाँ ट्रैक पे काम चल रहा है, तो इस वजह से ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई किए हैं। अब देखें कि कौन सा स्टेशन है, पहुँचते हैं तो बताता हूँ आपको। नाइन्टी किलोमीटर हम रोड़ी से आए हैं दोस्तों, अभी तक जो हमने ट्रैवल किया है रोड़ी से यहाँ तक वो 90 किलोमीटर है। और ये बिरिया रोड का रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ पे भी इसका स्टॉप है 48 टाउन मेहमान बाबा एक्सप्रेस का 2 मिनट का। तो बिरिया रोड रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। ये वही स्टेशन है जो फ्लड में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे, और आपको ये सामने पानी भी नज़र आ रहा होगा जो कि झीलों की और तालाबों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और अभी तक ये फ्लड वाटर जो है वो यहाँ पर ना तो ड्रेन हुआ है ना एवापोरेट हुआ है, और इसी वजह से ट्रेनें जो हैं वो 4-4 घंटे जो है वो डिले पहुंच रही है कराची और कराची से लाहौर। तो बिरिया रोड पे अप्रोच कर रही है 48 टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। मैं जो कि सेकंड लास्ट कोच में, तो इसे गाड़ी बाहर ही रुक गई है। 3 से 4 मिनट स्टॉप करने के बाद यहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं भिरिया रोड से। अपकमिंग स्टॉप जो है वो इसका नवाब शाह पर होगा रहमान बाबा का। बस एक कर्व लेते हुए 48 टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, और इसकी लीड पे है GMU 30। आगे ट्रैक मेरी स्ट्रेट हो गया, सब फिर कोई स्टेशन आ रहा है। जैसे ही पहुँचती है आपको अपडेट करता हूँ कि कौन सा स्टेशन है। मेहराबपुर है, मेहराबपुर पे जो है वो स्टॉप मेरे ख्याल से इसका है 48 टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का। हमारी कोच चूँकि बहुत पीछे है तो ये बाहर ही रुक जाती है। ये वुडन स्लीपर आपको नज़र आ रहे हैं, ओल्ड और न्यू भी रखे हुए हैं। ये देखेंगे बस ये बाहर ही खड़ी हुई गाड़ी।
दोस्तों अगेन कोई स्टेशन आ रहा है, देखते हैं कौन सा स्टेशन है। स्पीड फिर से रिड्यूस की है 48 डाउन रहमान बाबा ने। थ्री किलोमीटर है कराची यहाँ से भी। पाटीधन पे पहुँचे हैं हम लोग। पाटीधन पे अप्रोच ही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस में। वो सामने आपको पाटीधन रेलवे स्टेशन का लोको शेड नज़र आ रहा होगा, जो कि अबैंडेड हो चुका है। यहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड है पैसेंजर्स का। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सैलाब का पानी अभी तक मौजूद है और ये इतना ज़्यादा है कि ये झीलों की जो है शक्ल इख्तियार कर चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा आपको। और नीचे मैं आपको मड दिखा देता हूँ, जो कि ये ट्रैक जब डूबा था तो ये जो मड थी ये भी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। फ्लश फ्लडिंग हुई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है ट्रैक को बंद करना पड़ा था। अभी भी अननोन रीज़न की वजह से ट्रेन को स्टॉप किया गया है। यहाँ से ट्रेनें स्पीड में पास नहीं हो सकती हैं। आप कंडीशन देख सकते हैं। बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला नागहानी आफात से हमारे मुल्क को महफूज रखे और ये जल्द से जल्द ये पानी भी जो है एवेपोरेट हो। ये किसी दौर में फसलें हुआ करती थी यहाँ पे फ्लड से पहले, और यहाँ पे 5 to 6 फीट तक अभी तक पानी जो है वो मौजूद है। तो ये छोटा सा रिव्यू था ये फ्लड से अफेक्टेड सेक्शन के हवाले से, जो मैंने आपको आज 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस में ट्रैवल के ज़रिए दिया है। आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है इसको बेहतर से बेहतर जो है रिव्यू आपको दे सकें। थैंक यू। 40 किलोमीटर का स्पीड कॉशन। स्टेशन आ रहा है और थ्रू पास करेगी यहाँ से 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। सामने फाटक बंद नज़र आ रहा होगा आपको। तीन सौ 37 किलोमीटर है कराची यहाँ से। बांध ही रेलवे स्टेशन से पास हो रहे हैं। अपकमिंग स्टेशन जो है वो नवाब शाह का है। बांदी को स्किप कर रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। Thank you.
तो व्यूवर्स हम नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे जो है वो अप्रोच कर रहे हैं रोड़ी से चल के तकरीबन 8:40 रोड़ी से चली थी और 1:40 नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे जो है वो अप्रोच कर रहे हैं ये 48 डाउन है मान लो का 5 घंटे में इसने ये ट्रैवल तय किया है। अब आगे यहाँ से देखते हैं कि कराची तक ये कितना घंटों का जो है वो टाइम लेती है तो स्ट्रेट ही होने का सौ किलोमीटर रह गया कराची यहाँ नवाबशाह सिटी का बाज़ार ये नॉर्थ केबिन 1978 का इस्टेब्लिश हुआ है ये और वो सामने प्लेटफॉर्म आ गया नवाबशाह का अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे भी पैसेंजर्स का ये प्लेटफॉर्म बड़ा है इसलिए ट्रेन हमारी अंदर जाएगी हमारी कोच और हम नवाबशाह पहुँच गए किलोमीटर रह गया है कराची यहाँ से नवाबशाह से हम लोग निकल आए हैं और ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 घंटे लेट है रहमान बाबा एक्सप्रेस डब्ल्यू से मतलब इसका होता है विशल ये भी मैं आज आपको बता दूँ ये ड्राइवर को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे विशल लो आगे फाटक सॉरी वालेकुम दोस्तों मैं नवाबशाह के पास सो गया था तो जिस वजह से मैं नहीं बना सका आगे की स्किप कर गया मैं हैदराबाद और टंडो आजम पर अभी मैं उठा हूँ तो हम कराची से अभी भी 107 किलोमीटर दूर हैं और सुबह 8:40 पे हम रोडी से निकले थे और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9 घंटे का ट्रैवल हो गया और ये तकरीबन 10 घंटे का ट्रैवल हो जाएगा अभी इस टाइम पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को जो है वो स्किप कर रही है रहमान बाबा सिग्नल जो है वो आगे जो है वो रेड है पता नहीं किस वजह से PLC पे पास हुई है ये भाई लेके खड़ा हुआ है सामने
PLC थी, सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं, CBI सिस्टम, तो PLC कॉशन पे पास हुई है यहाँ से ट्रेन फिरोजाबाद से। मेरी जो डेस्टिनेशन है वो ड्रिक रोड है, मैं वहाँ ख़त्म कर दूँगा अपने सफ़र को, इसको वापसी के स्टैंड तक मैं नहीं जाऊँगा कि मैं वहीं उतरूँगा जहाँ से मेरा घर जो है वो करीब है। तो मैं होपफुली आपने इंजॉय किया होगा इस ट्रैवल को। ऐसा ऐसा सन भी सेट हो रहा है, शाम का खूबसूरत मंजर है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी पीछे। तो सारा जंगल ही जंगल है ये सारा। जंगशाही से जो है वो निकल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे व्यूवर्स बारिश हुई है आज, जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक बारिश हुई है यहाँ पे। छः बजे रेस्टोरेंट हो चुके हैं और अभी तक हम लोग जो है पता नहीं।
तो फ्रेंड्स, मेरा ये ट्रैवल यहाँ डेगो रेलवे स्टेशन पे ख़त्म हो गया। ये सामने 15 अब कराची एक्सप्रेस पास थ्रू हो रही है लाहौर जाने के लिए डेगो रेलवे स्टेशन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान रेलवे ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।